यहाँ पे गाइस ठेकिया, ये है ठेकिया और ये बागास्तेंगा और ये है एलिफेंट फ्रूट। मेरा माथा बहुत ज्यादा भारी होता जा रहा है और मामी लोग इतना धीरे धीरे आ रहा है। लकड़ी यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है, इकट्ठा करके मैंने भी थोड़ा सा मदद कर दिया। ये है कोसू, आप लोग देख सकते हो, पता नहीं आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, हम लोग लेकिन कोसू बोलते हैं इसको। अड़ा सा ये है बोटुआ, एक्चुअली गाहुड़ी का डाना बनाएगा यहाँ में बाबा, इसको काट के यहाँ में डालेगा, उसके बाद सुअर का खाना। बहुत ज्यादा लाया है ये देखो, कल ठीक से नींद आया इसलिए आज एकदम पूरा टिका पड़ा धूप दिया है। और आप लोगों को जैसे ही मैंने कल बताया था कि हम लोग का रास्ता सूख रहा है धीरे 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 धीरे, यहाँ पे सेंसिबल डालने का अभी जरूरत नहीं है, ये अभी धीरे 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 सूख चुका है, कल को फिर से धूप देगा, कल को और भी फिलअप हो जाएगा। धीरे 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 सब सूख रहा है क्योंकि धूप दे रहा है बहुत ही भयानक से। और मेन थिंग यहाँ पे सेंसिबल डाल के भी फायदा नहीं है, मैंने कल भी बताया था, कोई कोई लोग मेरा अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं। आप लोगों को बता दो यहाँ पे डाल के क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि अभी गर्म सीजन आ ही चुका है, सब सूख ही जाएगा, अभी सूखने का बाद अभी फिर से अभी सेंसिबल डालो, दुनिया भर का बाली घर का अंदर आ जाता है, यहाँ पे फिर से झाड़ू मारना पड़ता है मुझे। 13-14 डेज हो गया है कंटिन्यू बारिश, आज बहुत ही ज्यादा धूप दे रहे हैं और घर में जितने भी सब्जी था सब खत्म हो चुके हैं। अभी हम लोग, मैं और मम्मी के 2-3 सहेली है, अभी हम लोग मिल के जाएंगे जंगल में सब्जी वगैरह लाने के लिए। और यहाँ में टुमुनी पे और यहाँ में पे आए थे ऐसे ही चाय पीने के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद, इतना दिन से सिर्फ घर के अंदर में घुसते रहा था, आज धूप दिया बोल के सभी लोग निकल के आ रहा है। ये है हम लोगों का सुपारी का बाड़ी जो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। आय गंगा, तुम क्या कर रहा है गंगा स्टाइल। और यहाँ पे बहन लोग कपड़ा पूरा लाइन बाय लाइन कपड़ा, ओहो हो पूरा कपड़ा लगा रहा है। गामूसा काटा है क्या इसको आज? अच्छा तो ये अभी अभी लगा के काटा है, बहुत सुंदर बहुत ही फ्रेश से आया है। कौन बिना काटा है? वाओ बहुत सुंदर है ये वाला, यहाँ से काटा है, यहाँ से यहाँ पे लगा ही रहा है कंटिन्यू। और हम लोग का हिपिनी बिना पानी है, बिना पानी बाबा गंगा। जंगली पत्ता वगैरह लाने के लिए जाएंगे, यहाँ पे भी आ चुका है बड़ा एक झोली लेके, और यहाँ पे मम्मी भी एक बड़ा सा मुना लेके, और वहाँ पे और एक पे भी आ चुके हैं, और वहाँ पे माकू आज जल्दी दौड़ के आ जाओ। पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और मम्मी लोग और पेही लोग सभी लोग पूरा सिंग रहे हैं, सब्जी पूरा तोड़ रहे हैं। ढेकिया पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, लेकिन हम लोग इसको ढेकिया बोलते हैं। और ढेकिया ओइटेंगा, ओइटेंगा दैट मींस एलिफेंट फ्रूट, ढेकिया ओइटेंगा और फूटी मास खाओ और हाथ में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है गाइस, टेस्टी। अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट फ्रूट लाने के लिए, और मेन थिंग आज बहुत ही ज्यादा बारिश दे रहा, आज बहुत ही ज्यादा धूप दे रहा है, और बहुत दिन बारिश दे दे के अगर धूप दे, अगर उस दिन अगर निकलो ना तो बहुत ही मोटा मोटा बहुत ही बड़ा बड़ा सांप भी निकलता है जंगल में, तो इसीलिए मतलब बहुत मतलब अंदर पूरा पूरा मतलब सुनसान जंगल में गया नहीं, क्योंकि सांप ताप निकलता है, क्या पता दस ले मुझे ठक करके। जानकारी आप लोग मेन थिंग पूरा होलसेल है, नंबर को कॉल करो और पूरा डिटेल्स पूछ लो, और मेरा चैनल के द्वारा या मेरे थ्रू से अगर आप लोग कॉल करोगे तो और भी आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। ये देख सकते हो गाइस, ये है ओइटेंगा यानी कि एलिफेंट फ्रूट, अभी तो पूरा मतलब बोलो ही मत, अभी पूरा बेबी बेबी है, लेकिन अभी खाने के लिए भी बहुत मजा है, अंडर में ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा वाला है। ये जो कोली है, कली है, और इसका जो पत्ता है, इसको हम लोग बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो खाते थे। बड़ा बड़ा वाला सब अभी जस्ट रिसेंटली अभी कोई आया था आई थिंक, क्योंकि अभी तक पूरा पानी सब घुला घुला होकर बैठा हुआ है,
कोई आया था और अभी अभी जस्ट फ्रेश फ्रेश बड़ा बड़ा वाला लेके गया है। इतना भी बड़ा बड़ा यहाँ पे लगा हुआ था, सब पार पार के लेके चला गया। अभी पूरा ऊपर ऊपर में है गाइस, इसलिए अभी मतलब वही अभी ये मतलब पहले डायलॉग मार रहा है कि एक जो हियाल जो एक फॉक्स अंगूर जंप करता है लेकिन मिलता नहीं है, बाद में टेंगा कट्टा है बोल के छोड़ के चले जाते हैं, तो हम लोग भी वही। यहाँ से अभी हम लोग अलग जगह पे जाएंगे और एक ओइटेगा का गस है वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जाएंगे मतलब जा ही रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों बैम्बू भी मिला, यहाँ पे ये देख सकते हो बैम्बू, और बैम्बू को भी काटेगा अभी। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा से हो गया है, यानी कि यहाँ का बाहर का जो छिलका था वो निकाल दिया। अब इसको काटना है, घर में बॉयल करना है, उसके बाद फ्राई करके खाना है। और एक यहाँ में भी है एलिफेंट फ्लूइड, यानी कि ओइटेगा का यहाँ में भी एक है। लो वहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा होके बैठा हुआ है। आग जलाने के लिए यहाँ पे खुई लकड़ी भी काट रहे है आग जलाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम लोग ज्यादातर सिलेंडर वगैरह यूज नहीं करते हैं, बाहर में जाते हैं वहीं पे थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह मिल के आते हैं, वो सभी घर में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आग जलाने के लिए लकड़ी काट रहे हैं। कितना मिला मम्मी? एक तो मिला। लकड़ी यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है, इकट्ठा करके मैंने भी थोड़ा सा मदद कर दिया और माकू ने भी पूरा कर लिया। अभी इसको बांधेंगे, बांधने का बार सर पे लेके भाग। बचपन में हम मुझे अभी भी याद है, स्कूल से आता हूँ डायरेक्ट मतलब बैग को फेंकता हूँ डायरेक्ट ऐसे झूलना ले लेके, एक दावली ले लेके हाथ में डायरेक्ट सब्जी ढूंढने के लिए निकल आता हूँ। और सेंगमोड़ा तोड़ा गाजोली और मशरूम्स भी मिलता है, पूरा ले लेके भर भर के आता हूँ। आजकल थोड़ा बहुत मतलब जमाना चेंज होता जा रहा है, इसलिए आजकल मतलब मिलता ही नहीं है इतना ज़्यादा सब्जी, लेकिन और भी दूर जाने से मिलेगा सर, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा पास में आए हैं। ये रास्ता देखो दोस्तों, रास्ता मेरा छाँव, बचपन में याद है हम लोग शेरो देख देख के डांस करता था, ऐसा नहीं अभी भी मैं शेरो देख देख के डांस करता हूँ। जंगल जंगल बाग चली है पता चला है, पूरा ये जंगल में अकेले जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ पूरा इस जंगल में घर। ओ माय गॉड, एक रास्ता है यहाँ में, एक रास्ता, ये रास्ता इस तरफ जाता है और मेरा घर का उस तरफ निकलते हैं, और वहाँ पे मम्मी लोग अभी तक आया ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। कहीं पे भी हल्ला नहीं, कहीं पे भी गुल्ला नहीं, सिर्फ सीरिया का आवाज़ और मैं। नन्नी टिटली बटरफ्लाई देखो गाइस मेरा पैर पे है, और मेरा पैर में इतना ज्यादा बाल है। नेचर ब्यूटी इतना सुंदर है गाइस देखो, बचपन में इतना ज्यादा टिटली पकड़े थे, पकड़ पकड़ के पूरा घूमते थे, कहाँ कहाँ पकड़ने के लिए जाते थे जंगल वगैरह में बचपन में, याद है अभी भी क्लास 1-2-3 में। यहाँ से घर बहुत ही ज़रा दूर है दोस्तों, लकड़ी लेके जा रहा हूँ, बचपन से पूरा बहुत ही ज़्यादा बचपन से हम लोग ऐसे ले लेके हम लोग का आदत बन चुका है, इसीलिए आधा तक माकू लिया, अभी आधा से मैं लेके जा रहा हूँ। मेरा माथा बहुत ही ज़्यादा भारी होता जा रहा है और मम्मी लोग इतना धीरे धीरे आ रहा है, जल्दी 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 आओ, बोल से सुनाई नहीं मिलता मम्मी लोगों को, बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है गाइस, है 20 किलो जैसा है, 20 किलो जैसा। और गाइस यहाँ पे जाते जाते पे ही मिल गया, क्या खा रहा है ये? तो जैकफ्रूट खा रहा है, कोठाल कोठाल एक तो गच्ची से गिर गया। मिठाई क्या? मिठाई है। हाँ दोस्तों अभी माथा बहुत ज़रा रेस लग रहा है, इतना भारी है, इतना भारी है, आप लोगों को बता दूँ क्यों भारी है, क्योंकि काफी दिनों से सिर्फ बारिश 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 दिया, यहाँ पे पूरा पानी घुसा हुआ है ना। मशरूम खाई जान
और ये है मशरूम्स। वाओ कहाँ से मिला, काफी ज्यादा सब्जी मिला यहाँ पे, ढेकिया कोसू बागस। एक घर में पानी पीने के लिए आया है, बहुत ही ज्यादा प्यास लग रहा है और यहाँ पे पानी पूरा निकल रहा है ऑटोमेटिक से, तो पानी पी लेते हैं यहाँ से। रास्ता का हालत नहीं है, रास्ता हालत नहीं है। ओहो और यहाँ पे बिना भागते हुए और वैज्ञानिक भी आ चुके हैं। आई गंगा, यहाँ पे गाइस ढेकिया, ये है ढेकिया और ये बागस तेंगा और ये है एलिफेंट फ्रूट और ये क्या है और ये सभी लोग ओए टेंगा, बहुत टेस्टी होता है ये खाने के लिए। ये भी अभी काटा है, जाने का टाइम पे एक रेड कलर का काटा था, अभी ब्लू कलर का यहाँ से। वाह 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 वाह, इतना स्मार्ट से बनाते हो। आ हाँ हाँ, इतना सुंदर, काफी सुंदर लग रहा है। ये सब जब मिनी स्टार को देते हैं उसके बाद वो लोग पूरा घर पूछने के लिए शुरू कर देते हैं बाद में। मैंने भी भारती मैडम के लिए लेके गया था, वो घर पूछने वाला लगा दिया बाद में, हम वीडियो में देखा था। बाबा काफी सुंदर लग रहा है, बहुत स्मार्ट है ये लोग, लड़की लोग हाथों में देवी है सरस्वती का, इसीलिए बहुत ही सुंदर से आता है कपड़ा वगैरह लगाने के लिए। आए गुंडी गुंडी अभी जाएंगे नहाएंगे, उसका बात आप क्या करेंगे। आई थिंक ये 3-2 साल के बाद तामुलपुरा लगने के लिए शुरू हो जाएगा। गोलमुरिच आइएगा, गोलमुरिच पकानी है अभी तक गोलमुरिच। आप लोगों को बता दो, हम लोग का गाहोई पुआली जगह है, 7 बेबी दिया है और 7 पूरा एकदम, मतलब सब लड़का ही है, एक भी लड़की नहीं है, सब मोटा गाहोई के साथ मुझे देख के भाग गए हो पिगी। हाँ ये जो मोबाइल है ना, मैंने सुअर बिक्री करके मैंने लिया है ये वाला मोबाइल, ठीक है, सुअर बिक्री करके मैंने मोबाइल लिया है ये वाला मोबाइल। आधा तक तुम गए, तुम फिर से क्यों आ गए हैं, आधा तक गए उसके बाद तुम क्यों आ गए अकेले मुझे छोड़ के। हाँ मम्मी का पैर देखो, काफी जरा होगा होगा होगा। और गाइस वहाँ पे वो वहाँ का पीछे का घर से पानी पी के आया था, लेकिन पानी थोड़ा से भी टेस्टी नहीं लगा, इसलिए मेरा घर से फिर से पी रहा हूँ मैं। मेरा घर का पानी इतना टेस्टी पता नहीं क्यों मुझे मिल जाता है। अभी लग रहा है पानी पी रहा हूँ जैसा। और यहाँ पे हाथी मसाला ढेकिया, हाथी मसाला और बोगन यहाँ पे ले रहा है रात को बनाने के लिए। कल तेल लगाया था, आज बाल धोया हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है नहा धो के। और यहाँ पे देखो गाइस, मैंने यहाँ पे नया एक टोकटा बिछा दिया है और ये वाला मूर्ति जो मैंने कोलकाता से खरीद के लाया था, जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तब मैं एक मतलब ट्रेन में कुंडन और मैं गया था, तब मैंने कोलकाता से मैंने ये खरीद के लाया था बाल गोपाल। और यहाँ पे मैं तो हमेशा सिर्फ 5 खाटी लगाता हूँ, 5 खाटी धूप, लेकिन आज 10 खाटी लगा दिया। हम बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, मरते दम तक हम पूजा करते जाएगा। कोई कोई लोग मुझे कह रहा है पूजा मत करो अच्छा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी बात मत कहो, ईश्वर है बोल के हम है, ठीक है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, मरते दम तक करेगा। जितना भी रोक लगा लो तुक लगा लो, मैं हटने वालों में से नहीं हूँ, सबका अलग अलग होता है। गंगा यहाँ में खाना खा रहे हैं, गंगा खाना खा रहा है, खाओ। काफी ज्यादा गर्म है दोस्तों, घर का अंदर में इतना गर्म है, आज इतना दिन बारिश दिया उसका बाद कल और आज, कल तो इतना धूप नहीं था लेकिन आज काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन एक तरह से ठीक ही है, पूरा सूख रहा है। अरे बाबा टबाको खा रहे, टबाको क्योंकि बहुत पुराने जमाने का आदमी है ना, इसलिए पुराने टबाको खाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं, ना हम ड्रिंक्स करते हैं, ना हम सिगरेट पीते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, ऑन दैट प्रेस, इसलिए देखो डाट का कितना सुंदर है। ऐसा नहीं, यहाँ पे एक डाट है नहीं मेरा,
स्वीट्स मुझे बहुत ही पसंद है, मैं पूरा मैं खाता रहता बहुत, लेकिन दांतों का दर्द कान का दर्द बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है झेलना। इस दुनिया में सब दर्द झेल लो, लेकिन ये सब दर्द कोई मतलब बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि मुझे मतलब मैंने ये सब झेला है। उस टाइम पे सब दर्द दर्द इतना दर्द दे रहा था उस टाइम पे, बाबा लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या दवाई ले ला के घुसाया था, लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से पूरा ठीक है। भगवान ये सब दर्द किसी को ना दे। घूमने के लिए जाने वाला था, लेकिन बाबा ने मना किया है, क्योंकि मतलब एक मतलब काफ़ी दिन बारिश दे दे के एक दिन सिर्फ धूप दिया है, इसलिए एक दिन जब धूप देता तब मतलब वही मतलब बुखार सुखार हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, बल्कि कभी भी कहीं भी जाने के लिए नहीं दे रहा है, टेक केयर कर रहा है। घर के अंदर मैं काँप रहा हूँ, इतना गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा है, टीना है ना, टीना की वजह से ज़्यादा गर्म। दोस्त लोग भी आएगा कि नहीं, दो तीन दोस्त लोग कॉल किया था, मोनू कहाँ में है वो बोला था, मैंने बोला कि घर में हूँ, कहाँ रहेंगे, तो आओ क्या बोला, तो आ जाओ, मैंने बोला आ जाओ ना, सबको मिलना चाहिए, क्या एटीट्यूड, क्या घमंड नहीं रखना चाहिए आदमी को, आज खुद का घर है, आता है बेचारा लोग, आता है जो है वही खा के चले जाते हैं, निकाल देता हूँ बस, खुद का जैसा कुछ भी भेदभाव रखता नहीं है, मेरे दोस्त लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वही है आ रहे वो लोग। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जैसा लोग मुझे खराब मत पाना, कोई भी मत पाना खराब, मेरा मुँह कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वही खराब मत पाना, ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू टू वन एंड ऑल, बाय बाय।